जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित किस कोरोना दवा को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 0DG, बी 1DG, सी 2DG या डी 4DG। वीडियो को रोक कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। पानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। अब भागलपुर की गंगा नदी में भी मिलने लगी क्षत विक्षत लाशें। भागलपुर गंगा नदी में भी क्षत विक्षत लाशों की संख्या बढ़ने लगी। बरारी सीढ़ी घाट और पीपली धाम घाट पर से अज्ञात शत विक्षत दो शव बरामद किए गए। मौके पर बरारी थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार ने पहुंचकर उस लाश की शिनाख्त की एवं कई लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन शव की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया क्योंकि शव पूरी तरह से शत विक्षत है। बरारी थाना अध्यक्ष से पूछे जाने पर उनका कहना है कि हो सकता है कोरोना रोग से ग्रसित मरीज गंगा नदी में फेंक दिया गया हो और शव बहता हुआ घाट पर आ गया हो। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194, 7004826539। कोरोना काल में ऑक्सीजन जनरेटिंग पौधे बांट रहे पुष्प मित्र चंद्रशेखर सिंह। काफी ऑक्सीजन देते हैं ऐसे पौधे। बिहार में जल जीवन हरियाली का मिशन है। सदियों से बर और पीपल पेड़ के पूजा की परंपरा रही है। फिर भी अगर इंसान की सांस में ऑक्सीजन की कमी हो गई और उनकी मौत होने लगी तो वो बड़ी चुनौती है। खासकर शहरी आबादी जो कंक्रीट के जंगलों यानी बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और रह बसर का शौक रख रहे हैं, उनके बीच से कोरोना काल में मौत की खबरें बेचैन करने वाली हैं। लेकिन वहाँ भी एक उपाय है जो घर के अंदर की आबोहवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। रिपोर्ट नासा की है, बात भागलपुर से है, बोस पार्क के वाटिका फ्लावर से है, भागलपुर के पुष्प मित्र की तरफ से। पिछले 3 दशकों से चंद्रशेखर सिंह अपने वाटिका फ्लावर बागान से सैकड़ों वैसे ऑक्सीजन जनरेटिंग पौधों को जागरूक लोगों के बीच बांट रहे हैं। खासकर सेंसिवेरिया, एरिका पाम, पीस लिली, पोथस, मनी प्लांट जैसे पौधे की अहमियत कोरोना काल में ज्यादा फायदेमंद है, जो सुकून के साथ सांस में ऑक्सीजन भी देते हैं। मेरा नाम है चंद्रशेखर सिंह और पिछले 32-33 वर्षों से मैं एक नर्सरी चला रहा हूँ, प्लांट्स का, वाटिका नर्सरी। शहरी आबादी के बीच में, कंक्रीट के जंगल के बीच में इस बार कोरोना पार्ट 2 में ज़्यादातर लोगों को सांस फूलने की परेशानी भी, ऑक्सीजन की कमी की परेशानी भी, लेकिन आपके प्लांट इस नर्सरी में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, वो क्या है? सेंसिवेरिया है, सबसे ज़्यादा सेंसिवेरिया है, एरिका पाम है, मनी प्लांट है, पीस लिली है, ये सब जो प्लांट है, फाइकस है, रबर प्लांट है, तो इस तरह के बहुत पौधे हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करता है। खास करके आजकल सेंसिवेरिया बहुत लोग लगा रहे हैं। सेंसिवेरिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सेंसिवेरिया लोग बहुत लगा रहे हैं और इसकी मेरे पास करीब 35 से 40 किस्में। ये क्यों लगा रहे हैं ये बता दें। वही, उसका दो कारण है। एक तो इसका मेंटेनेंस कम है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नासा की तरफ से जो लिस्ट एक दिया गया था ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का, जो इंडोर भी रखा जा सकता है, उसमें नंबर 1 पर वही था, सेंसिवेरिया और पीस लीली। तो और जनरली ऐसे भी लोग लगाते हैं, लेकिन सेंसिवेरिया लोग कम लगाते थे, अब बहुत लगाने लगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंसिवेरिया बहुत ज़्यादा लगने लगा। नासा के रिपोर्ट के हिसाब से कितना परसेंट वो ऑक्सीजन जनरेट करता है अगर एक बंद घर में है तो? और इसका कुछ ऐसा दिया नहीं था उसमें, हमने डिटेल देखा नहीं है उसको, लेकिन लिस्ट जो निकाला था 10 प्लांट्स का, उसमें से करीब करीब 8-9 प्लांट्स मेरे पास है और उसको हम लोग सेल करते हैं।
एक बात बताएं सर, शहरी आबादी में नीम नहीं है, बरगद नहीं है, पीपल नहीं है, तो वो शहरी आबादी जो मर रहा है प्योर ऑक्सीजन का अभाव में, उससे उसको इस प्लांट से क्या फायदा होगा? नीम वाली बात तो वो तो ट्री होता है, लेकिन हम लोग नीम को भी और जैसे पीपल आप देखिए आपके पीछे हम लगा के रखे। भागलपुर में बालू माफिया की मिली भगत से एक ओवरलोड ट्रक ने खनन विभाग के स्कॉर्पियो में मारा जबरदस्त ठोकर, बाल बाल बचे अधिकारी। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र के अंदरी नदी के समीप ओवरलोड बालू लदे एक ट्रक ने खनन विभाग के स्कॉर्पियो में जबरदस्त टक्कर मार दिया। वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में खनन विभाग के इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार के अले सुबह खनन विभाग की टीम बालू लदे ओवरलोड ट्रक पर कार्रवाई कर रही थी। इसी दरमियान खनन विभाग की टीम ने एक ओवरलोड ट्रक को जब्त किया, जिसके बाद बांका से ओवरलोड बालू लेकर आ रहे एक ट्रक के चालक ने जानबूझकर खनन विभाग के स्कॉर्पियो में टक्कर मार दिया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उक्त ट्रक को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही खनन विभाग की टीम ने 5 ओवरलोड ट्रक को भी जब्त किया है। दुर्घटना तो होने ही वाला है, दुर्घटना 100 मीटर के दूरी पर हम उसको गाड़ी पकड़े, गाड़ी जैसे उसको रोकने के लिए जब बोले तो गाड़ी पीछे, जब गाड़ी कहीं रोको तो गाड़ी मेरा जब तक रोक दिया करके उठा दिया। इसमें कोई घायल भी है? घायल नहीं कोई, इसी एक संभावना बचा कि घायल कोई नहीं है, बाल बाल बच गए। जिसका सूचना मिला है कि गाड़ी और ओवरलोड खड़ी है बांका में, अपना परिचय दीजिए। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार है नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर के सहजंगी पंचायत के मुखिया पति की दबंग गई किया मारपीट। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र सहजंगी पंचायत के मुखिया मंजूर आलम की दबंग गई सामने आया है। बताया जा रहा है कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के सहजंगी पंचायत के बदरे आलमपुर के निवासी अंजुम खातून अपने पति के साथ तकरीबन 2 माह से लगातार हाजरी फातिमा के लिए मजार पर जाया करती थी। इसी क्रम में मुखिया सवाना खातून की पति मंजूर आलम अपने बेटे और अपने सहयोगी के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है। मारपीट के दौरान अंजुम खातून के पति मोहम्मद सुलेमान गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वहीं पीड़िता अंजुम खातून के साथ गांव के काफी संख्या में ग्रामीण के सहयोग से थाना पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। हबीबपुर थाने की पुलिस इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं बता दें कि पंचायत में लोग जहां अपनी समस्या का समाधान लेकर पंचायत प्रतिनिधि का चयन करते हैं, वहीं सहजंगी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दबंगई पर उतर आए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गयी है। मेरा अंजुम खातून, क्या मामला हुआ? अरे भैया, हम लोग का अदालत चलता है 4-5 महीना से, हम जा रहे, मेरा आदमी भी जा रहा, ठीक है ना? वहाँ गए, जब हम लोग गए तो वहाँ पे मंजूर मुखिया वाला, यहाँ पे अदालत नहीं, दो लेडीज लोग, तो हम लोग उठ के चले आए, बाहर पे चले गए हैं। मेरा आदमी पीछे से आया, उसको नहीं मालूम था कुछ भी कि ये लेडीज लेडीज में क्या बात हुआ है, मंजूर मुखिया क्या बोला, उसको कुछ नहीं पता था। और फिर बाद में गए चूमने के लिए तो मंजूर मुखिया बोले कुंचित तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकते। मेरा आदमी सिर्फ यही बोला कि ये मेरा अदालत चलता है, हम यहाँ पे आते हैं रोज, डेली का बात है। तो बोले तुम यहाँ पे अदालत नहीं दोगे? बोले अच्छा ठीक है, आज के बाद हम नहीं आएंगे, कहीं के भी है हम चले जाएंगे, बस तुम यहाँ पे लड़कीबाजी करने आए हो? तो बोले नहीं, मेरा रोज का अदालत चलता है यहाँ पे। और फिर इतना ही बात बोलना, और मंजूर मुखिया मोटा सा डंडा लेकर के मार के बेहोश करके वहीं पे छोड़ दिया। मेरा आदमी किसी तरीके से भी रोड पे आया, और फिर हम लोग को कोई कंफर्म किया, हम लोग वहाँ पर से उठा करके लाए। क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद सुलमान। आपका पति है? हाँ, मेरा आदमी है, ये मेरी लड़की है छोटी सी 4 साल की। अभी कहाँ जा रही हैं आप लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं थाना केस करने, और हम लोग को पैसे का भी लालच दिया। उसके घर पे गए कंप्लेन करने तो बोली ठीक है, तुम लोग ऐसे हड़बड़ नहीं करो, जो खर्चा होगा हम दे देंगे। हम लोग को खर्चा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारा शौहर आज मर जाता तो क्या कौन पैसा, और मंजूर मुखिया का कौन महल मेरा हमको काम आ जाता, हमको नहीं चाहिए पैसा।
था तो। कहाँ घर हुआ आपका? बदरे आलमपुर। सजेंगे? इस बच्चे को कौन मारा है? मंदिर मुखिया। मारा किस चीज से मारा पता है? पैर था हाथ में रट ऐसा, उसी से मारा। उसके कहाँ आई हैं अभी आप? अभी हम यहाँ थाना आए हबीबपुर। हाँ, इंसाफ दिलाने के लिए। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहते हैं सर। आज मेरा सवार को, बहन दामाद को मारा, आदमी को किसी का और कल मारेगा। हम गरीब हैं, उसके मतलब क्या कहना। खाते कमाते अपना खून की जिंदगी से जीते हैं, उसके बल के सहारे नहीं जीते हैं। गलती किया, बोलता बांध के रखता, दो लफ्फर मारता, कितना दूर में घर था। हम लोग तो गाते हैं। नवगछिया एसडीओ व एसडीपीओ ने नवगछिया बाजार का किया निरीक्षण। नवगछिया शहर में लॉकडाउन को लेकर मंगलवार को एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार ने नवगछिया शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवगछिया, मक्खा तकिया, महाराजी चौक एवं स्टेशन रोड में घूमकर जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी ने शहर में लॉकडाउन के दौरान आवागमन करने वाले लोगों को रोक कर उनसे पूछताछ भी की, साथ ही किस कार्य से बाहर निकले हैं इसकी भी जानकारी ली। दोनों पदाधिकारी द्वारा लोगों को आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने को कहा। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि शहर में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है, इसको लेकर शहर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में शहर में दुकानें बंद पाई गई। इस दौरान जो भी आवागमन कर रहे थे उसे समझाया गया कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले हैं। तो वो जो गाइडलाइन है उसमें 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानों को खुला रखना है और 10 बजे के बाद में कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकले। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, जिनको कहीं ट्रेन पकड़ना हो, कहीं बस पकड़ना हो, या कि इनको मेडिकल इमरजेंसी हो, वो लोग घर से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा शिकायत मिलते रहता है कि नहीं, बहुत सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं और उस समय भी कुछ कुछ खरीदारी करते हैं और कुछ बहानेबाजी कर करके वो लोग घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा मार्केट में चहलकदमी बढ़ जाता है तो लगभग पर डे हमारा और एसडीओ साहब का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, जिसमें हम लोग जाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, माइकिंग करते हैं और कहीं पर एक जगह इकट्ठा होकर के रोको टोको अभियान चालू करते हैं। और जिसमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो सच में गलती करते हैं उनको फाइन किया जाता है और समझाया भी जाता है और उनको बताया जाता है कि देखिए आपका लाइफ बहुत ही कीमती है, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो आपका परिवार इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो बहानाबाजी करके न निकलें, सरकार का जो आदेश है, निर्देश है, उसका पालन करें। और इसी के क्रम में आज हम लोग बाजार में गए थे, काफ़ी लोग घूमते पाए गए और सभी लोगों को, कुछ लोगों को दंडित भी किया गया है, फाइन वगैरह किया गया है और कुछ लोगों को समझा बुझा करके उनको विदाई करके छोड़ा गया है। सर, ये पास का जो है साइट खुलता नहीं है सर? पास का साइट हो सकता है नेटवर्क की वजह से नहीं खुलता हो, बट प्रोविजन तो है कि पास आप लोगों को मिले और जो घर से जो जरूरी काम से जाना चाहते हैं उनको पास लेके ही जाना चाहिए। और अब आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि इसके संबंध में हम सीनियर लोगों से बात करें कि जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है पास का, और उनको पास का व्यवस्था कैसे किया जाएगा। नवगछिया में 2 ट्रैक्टर भी हुआ है? हाँ, आज मक्का लदा 2 ट्रैक्टर उधर से गुजर रहा था तो उसमें देखना होगा। ऐसे तो और ये नो एंट्री जोन लगाया गया था जिसमें काफ़ी बाजार में भीड़ भाड़ हुआ करता था, और लेकिन अभी चूंकि बाजार खाली है तो उसमें क्या ये लागू है नहीं लागू है, ये थोड़ा सा एसडीओ साहब से डिस्कशन करना होगा। क्योंकि नो एंट्री लगाने का मतलब ये था कि लोगों को सुकून पहुंचाया जाए, अभी वजह परेशान नहीं किया जाए, और अभी भी क्या वो है कि नहीं है ये थोड़ा सा देखने के बाद में उस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया SP पहुंचे पुलिस लाइन, कोरोना काल में पुलिस कर्मियों की जरूरतों के लिए जानकारी। कोरोना काल में पुलिस कर्मियों के विभिन्न तरह के जरूरतों को देखते हुए नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने नवगछिया पुलिस पहुंचकर पुलिस कर्मियों की सुध ली। SP ने पुलिस कर्मियों से पास मास्क सैनिटाइजर है कि नहीं इसकी जानकारी ली, जिस पर पुलिस कर्मियों ने हामी भरी और उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को ग्लव्स उपलब्ध करवाने की बात भी कही।
एसपी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ही पुलिस को काम करना पड़ता है, इसलिए खुद सुरक्षित रहकर आम लोगों के लिए काम करना है। सभी पुलिस कर्मियों से एसपी ने डबल मास्क सैनिटाइजर लेकर ही ड्यूटी पर जाने की अपील की। नवगछिया एसपी ने एक गोपनीय सूचना मीडिया में लीक हो जाने के बाद बताते हुए कहा कि उक्त सूचना किसने लीक की वे इस बात का पता लगा रहे हैं। इस तरह की सूचना आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी होती है, इसे लीक करना उचित नहीं, मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। नवगछिया के कदवा दियारा में चौथे दिन स्वास्थ्य टीम ने 521 की जांच, 14 मिले पॉजिटिव। कदवा दियारा पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा चौथे दिन भी शिविर लगाकर लोगों की कोरोना जांच की गई। पंचायत के कंचनपुरा कदवा, भरोसा सिंह टोला कदवा और मेहदतपुर में लोगों की जांच की गई। कंचनपुरा कदवा में टीम के द्वारा 151 लोगों की जांच की गई, जिसमें 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। भरोसा सिंह टोला कदवा में टीम के द्वारा 224 लोगों की जांच हुई, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेहदतपुर में स्वास्थ्य टीम ने 146 लोगों की जांच की, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मालूम हो कि कदवा के बकरी टोला में बड़ी सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि कदवा दियारा पंचायत में पाए गए सभी कोविड मरीजों का स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य टीम के द्वारा बगरी टोला के आसपास के गांव में भी जांच अभियान चलाया जा रहा है। कदवा पंचायत के कंचनपुर एवं भरोसा सिंह टोला और मेहदतपुर में टीम के द्वारा कुल 521 लोगों की जांच की गई, जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कैंटीन का उद्घाटन। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में मंगलवार को अस्पताल आने वाले कर्मियों और रोगियों के लिए कैंटीन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के डीएस डॉक्टर वरुण कुमार ने फीता काट कर किया। श्री कुमार ने कहा कि रात में ड्यूटी करने वाले कर्मियों की अक्सर शिकायत रहती थी कि उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, जिससे उन लोगों को भूखे ही रहना पड़ता है। लॉकडाउन में यह समस्या और बढ़ गई थी। दूसरी तरफ यहां आने वाले रोगी को भी तरह तरह की असुविधा होती थी। इसी समस्याओं के मद्देनजर कैंटीन की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि कैंटीन में नाश्ता खाना चाय की 24 घंटे तक के लिए व्यवस्था किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान समेत अन्य भी मौजूद थे। नवगछिया में 5 टीम ने 591 लोगों की जांच, 24 मिले पॉजिटिव। नवगछिया में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की 5 टीम के द्वारा कुल 591 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कदवा पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीम द्वारा जांच किया गया है। इसके अलावा मदतपुर एवं अनुमंडलीय अस्पताल में जांच किया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि 4 टीम के द्वारा 591 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें 24 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अनुमंडलीय अस्पताल में 70 लोगों की जांच हुई, जिसमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कंचनपुर कदवा में 151 लोगों की जांच की गई, 11 लोग पॉजिटिव पाए गए। भरोसा सिंह कदवा टोला में 224 लोगों की जांच की गई, जिसमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए। मदतपुर में 146 लोगों की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों को कोरोना संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। नवगछिया के ढोलवज्जा कदवा में करंट लगने से युवक की गई जान। मंगलवार को कदवा मिलन चौक के डोमासी में करंट लगने से छंगुरी मलिक के बेटे चुको मलिक की जान चली गई। परिजन ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे बिजली कटने के बाद चाको हाथ से ही कटा हुआ पंखा का तार बोर्ड से जोड़ रहा था। इसी बीच बिजली आ गई, जिसके झटके से चाको जमीन पर गिर गया। बेहोशी की हालत में परिजन ने चाको को उठाकर स्थानीय चिकित्सक के पास इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं चाको के मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सूचना मिलते ही कदवा थाने के एसआई संजय कुमार मौके पर पहुंच सबको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया ले गए, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। चाको शादीशुदा था। चाको को 2 लड़का व 1 लड़की है। नवगछिया मास चेकिंग में 69 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में मंगलवार को चलाए गए मास चेकिंग अभियान में 69 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा गया। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया। इस दौरान सभी लोगों से
कुल 3450 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 5 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 5 वाहनों से 3500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया सड़क दुर्घटना में एक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया 0 माइल के पास मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक बालक घायल हो गया। घायल बालक तेतरी निवासी राहुल चौधरी के 12 वर्षीय पुत्र मयंक चौधरी है। दुर्घटना के बाद घायल बालक को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां घायल का इलाज किया गया। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार है नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन। पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194, 7004826539। पानी विवाह भवन 0 माइल NS 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।